क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं और बोर्ड टर्म 1 तक सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अच्छा व्हाट इंट्रिंसिक? देखो इंट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक अगर लिख दोगे ना वहां पे तो पता चलता है हां चार्ज की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक का मतलब वो छिपी हुई प्रॉपर्टी। किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अच्छा एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो सकता है? जो एलिमेंट जैसे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। अब नेक्स्ट आगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। वैसे लिखना है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × −19 कूलम। ये इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, चार्ज देखो माइनस साइन लगा रहता है। मींस हमने यहां बाद में क्या लिखा है? सी, जो डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कूलम के फॉर्म लिखते हैं। मींस चार्ज की साइड क्या होती है? कूलम होती है। चार्ज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ठीक है और नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं तो आपस में क्या होते हैं? रिपल करते हैं। कहने का मतलब है कि सेम चार्ज हमेशा रिपल करेंगे। वो नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। और अपोजिट चार्ज क्या होता है? हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वो क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझते क्या होता है? टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपीयर एट इट्स क्लोजर एंड एंड सेम चार्ज अपीयर एट इट्स फर्दर एंड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमने क्या लिया? एक रॉड लिया, ठीक है, एक पॉइंट बना लिया, एक पॉइंट ए हमने लिया, इसको बी लिया। यहाँ पर हमने क्या किया? एक रॉड लाया जो कि पॉजिटिवली चार्ज था। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या करेंगे? टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करेंगे। इट में भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा? जो क्लोजर एंड पर होगी, ठीक है, जो क्लोजर एंड पर होगा वहां पर अपोजिट चार्ज डेवलप होगा और सेम चार्ज डेवलप होगा उसके फर्दर वाले मतलब दूर वाले एंड पे। देखो हमने क्या यहाँ पे रॉड लिया, पॉजिटिव रॉड लेके आया इसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव है तो इसके क्लोज वाले एंड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। हमने यहाँ पे देखो लिखा ना अपोजिट चार्ज डेवलप होगा उसके क्लोजर एंड पे, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्लोजर एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेम चार्ज कहां पर डेवलप होगा? फर्दर वाले एंड पे, मतलब बी पॉइंट पे क्या होगा? यही पॉजिटिव वाला चार्ज डेवलप होगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब तक ये रॉड यहां पर रहेगी ये चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर डेवलप होता रहेगा, ठीक है। दिस इज द टेम्पररी फिनोमेना। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? एडिटिविटी ऑफ, मींस चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। टोटल चार्ज अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। मींस हमको क्यों निकालना है? तो किसी सिस्टम की बात की जा रही है, क्या करना क्या पड़ेगा? Q1 को, Q2 को और Q3 को ऐड करना पड़ेगा, मींस एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम ये है, यहाँ पर चार्ज हमारे पास Q1, Q2, Q3 और यहाँ पर बोला गया Q4 है। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एडिटिविटी ऑफ चार्ज यूज करके सम ऑफ चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर मतलब Q1, Q2 और Q3 को ऐड करना पड़ेगा, Q4 को ऐड नहीं करेंगे। मींस किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा उसके एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज के इक्वल होगा। नेक्स्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मींस चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? Q=N(E) के फॉर्म में, जहां पर एन की वैल्यू हो सकती है 0, ±1, ±2, ±3 हो सकती है। और ये तो पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × −19, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, मीन्स जो टोटल चार्ज होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, मीन्स उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वहां पर क्या होगा? टोटल चार्ज वो कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को भी हम लोग बना नहीं सकते हैं ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मींस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मींस ना इसको हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दीस आर द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली कूलम्स लॉ क्या बताता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज, एक हमारे पास Q1 है और दूसरा Q2 है, दोनों के बीच अट्रैक्शन है तो रिपल्सन हो रहा होगा। समझते देखो, अगर ये हमारा पॉजिटिव है ये पॉजिटिव तो रिपल्सन हो रहा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो क्या हो रहा था? अट्रैक्शन हो रहा होगा, या तो ये नेगेटिव होगा तो रिपल्सन हो रहा होगा। तो मतलब जो भी होगा यहाँ पर मतलब फोर्स लग रहा है। अब वो फोर्स क्या होगा उसको कूलम्स लॉ बताता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज में, जो डिस्टेंस आर से सेपरेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बताने का मतलब है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, और जिनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनवर्स रिलेटेड होता है, मींस
F is directly proportional to 1 upon R square. इन दोनों को combine करेंगे तो क्या हो जाएगा? F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. यहाँ पे directly proportional sign हटेगा, तो यहाँ पे constant term आएगा K, और जो हमारा K होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Electrostatic force constant. क्या बोलते हैं? Electrostatic force constant. Formula क्या हो जाएगा? F equals to K Q1 Q2 upon R square. अब देखो, जो electrostatic force constant उसकी भी एक value होती है. उसकी value क्या होती है? 1 upon 4 pi epsilon naught. इसको क्या बोलते हैं? Epsilon naught. जिसकी value क्या होती है? 9 into 10 की power 9 newton meter square coulomb minus 2. ठीक है? अब यहाँ पे जो epsilon naught आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? Permittivity of free space. इसकी भी एक वैल्यू होती है, जो कि याद रखना क्या होती है? 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 होती है. ये होती है हमारी epsilon naught, इसको बोलते हैं permittivity of free space की वैल्यू. और electrostatic force constant की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 की पावर 9 होती है. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. यूनिट ऑफ चार्ज हमको पता है, एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम्ब होती है. तो सीजस भी देख लेते हैं. सीजस हमारे क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट है, स्टैट कूलम्ब. ठीक है, आखिर एक कूलम्ब में, जो कि इसके एसआई यूनिट है, एक कूलम्ब में कितने स्टैट कूलम्ब होते हैं? एक कूलम्ब में 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम्ब होते हैं. और भी इसकी यूनिट जैसे एफ कूलम्ब हो गया, ईएसयू हो गया. देखो, एक कूलम्ब में 1 अपॉन 10 एफ कूलम्ब होते हैं और 1 अपॉन 10 ईएसयू भी पाए जाते हैं. ठीक है, अब देखो इसकी कंडीशन और बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की. अगर हमारा Q1 Q2 के बराबर हुआ और ये हमारा किसके इक्वल हुआ? 1 कूलम्ब, एक कूलम्ब के इक्वल हुआ, और जिसकी डिस्टेंस है वो 1 मीटर के इक्वल हुई, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे? ये सारे टर्म तो 1 के इक्वल हो जाएंगे. जो हमारा ये सारे टर्म है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा. मींस फोर्स किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इनटू 10 की पावर 9. तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? 9 इनटू 10 की पावर 9 के इक्वल हो जाएगा. मींस इस कंडीशन पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इनटू 10 की पावर 9. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. मींस कितना फोर्स एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे लग रहा है. चलो इसको समझते हैं डायग्राम से. यहाँ पर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज. क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज. मींस जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया हमने? एक टेस्ट चार्ज लाया. ये देखो स्मॉल क्यू लिखा है ना, क्यू नॉट. इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज. टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, इसका रेंज कितना है. तो हमने क्या किया? एक मान लो यहाँ पर हमने रखा सोर्स चार्ज. उसके पास हम क्या कर, टेस्ट चार्ज ला रहे हैं. टेस्ट चार्ज आ रहा है उसके पास. एक टाइम के बाद क्या होगा? ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन है तो रिपल्सन फील करेगा. ठीक है, मींस इससे फोर्स लगेगा. ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज. इस पे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी टेस्ट चार्ज. तो क्या होगा? एक रिपल्सन क्रिएट होगा इस चार्ज पर, और वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा. जिस पॉइंट पे रिपल्सन फील करेगा, या फिर जितना फोर्स इस पे रिपल्सन लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है, मींस वहां तक इसकी रेंज है, वहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड हुई था, जहां तक इस चार्ज को हम लाते गए, पास लाते गए, और जहां पर उसने रिपल्सन को फील किया. ठीक है, अब ये बात ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पॉजिटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं इफेक्ट करेगा? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है. टेस्ट चार्ज का कभी भी जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है. बस इसीलिए रखा जाता है, इससे पता चल जाए रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा है और कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन क्यू नॉट. मींस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. और फोर्स का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर. उसको हम यहां पर रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू1 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. और क्यू नॉट नीचे रखा हमने, क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अगर बात करें डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखो ऊपर क्या हमारे पास फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू होता है. नीचे क्या हमारे पास? चार्ज. देखो आई कोस्ट क्या होता है? क्यू बाई टी लिख सकते हैं. तो क्यू कोस्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी लिख सकते हैं. आई मतलब क्या? करंट, करंट का हो गया एम्पियर, टाइम का हो गया टी. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस थ्री, क्योंकि टी ऊपर जाएगा माइनस थ्री जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस वन. ये किसका डायमेंशन हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज अगर किसी भी स्फीयर का सरफेस पे या कोई भी बॉडी पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसकी बात करेंगे. ठीक है, इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया. पहला हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से.
देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम, मींस थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर रो इक्वल्स क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी वी, ये इसका हो गया फॉर्मूला। रो हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और साइन रूट क्या हो गया, कूलम मीटर माइनस थ्री। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, मीटर माइनस थ्री लिखेंगे। अगर हम बात करें चार्ज कितना होगा तो डी क्यू इक्वल्स कितना होगा, रो डी वी लिखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सर्फेस दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया, यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट कैलकुलेट करना है, तो ये कितना होगा, dq equals to rho dv के इक्वल होगा। सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मींस अब हम बात करने वाले टू डायमेंशनल के लिए। टू डायमेंशनल के लिए हमारा एक सरफेस दिया गया है जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक चार्ज में हमारे पास यहां पर q नॉट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, dq equals to sigma ds, क्योंकि हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। मींस यहां पर क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, यहां पर क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस, एसआई रूट क्या होगा, कूलम्ब मीटर माइनस टू। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी क्यू इक्वल्स क्या रखना है, सिग्मा डी एस। फॉर्मूला क्या होता है, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह हम लोग रखना है सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग वन डायमेंशनल, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात करता है, वन डायमेंशनल की बात करता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक लॉन्ग वायर, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर एल लेंथ है इसके पास, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू, और चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो डी क्यू को कितना जाएगा, लैम्डा डी एल, क्योंकि हम लोग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल, असाइनमेंट क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर माइनस वन। यहाँ यहाँ पे ये रखना है कि वॉल्यूम के लिए क्या था, कूलम्ब मीटर माइनस थ्री, सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था, कूलम्ब मीटर माइनस टू, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था, कूलम्ब मीटर माइनस वन। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रखेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीन पार्ट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक डायपोल, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन चार्ज अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, ठीक है। एक स्मॉल डिस्टेंस अगर सेपरेट रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके पास क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। जैसे मान लिया आपने चार्ज लिखा क्यू माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू है, चार्ज देखो अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्यू है, ये भी क्यू होगा, ठीक है। डिस्टेंस सेपरेशन कितना होता है, 2a, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट को p से डिनोट करते हैं, p इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई बाय 2a,